मतलब जो हैट मैं पहन रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है. मैंने एक फारा खान्स कोरियोग्राफी कोर्स की इजाद की है जो ITA परफॉर्मिंग आर्ट स्कूल ओवर 5 cities इन इंडिया उस स्कूल में पढ़ाया जाएगा. बाकायदा 12 हफ्तों का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ऑन हाउ टू डू सॉन्ग अप्रिसिएशन, हाउ टू शूट एंड डायरेक्ट अ फिल्म सॉन्ग, हाउ टू कोरियोग्राफ अ फिल्म सॉन्ग. तो ये सिर्फ एक डांस कोर्स नहीं है जो जैसे हम देखते हैं डांस क्लास नहीं है. अगर आप डांसर हैं या आपको डांस का चाह है, आप हिंदी फिल्मों के गानों से प्यार करते हैं, तो ये कोर्स आपको सिखाएगा कि गानों को शूट कैसे, डायरेक्ट कैसे किया जाता है. बट एक कोरियोग्राफी कोर्स आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कोर्स इंडिया में तो है ही नहीं, कहीं नहीं है. मैंने पूरी रिसर्च की है, वर्ल्ड में नहीं है कि एक फिल्म कोरियोग्राफी कोर्स 12 हफ्तों का जिसमें स्टूडेंट ऑफ डांस को सिखाया जाएगा कि शॉर्ट ब्रेकडाउन कैसे करते हैं, गाने को एडिट कैसे करते हैं, कैमरा लेंसिंग कैसे यूज़ होती है, कॉस्ट्यूम कैसे यूज़ होते हैं, लोकेशन पे जाकर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, या आइडिया कैसे आता है गानों का. हम पुरानों से लेकर अब तक गानों की रेफरेंसिंग मैंने की है पूरे डायरेक्टर्स थ्रू द एजेस जिनके गाने बहुत कमाल के होते थे, कोरियोग्राफर्स जिनके गाने अभी तक आइकॉनिक हैं. सो लॉट ऑफ वर्क हैज़ गॉन इन टू मेकिंग दिस सिलेबस विच इज़ कॉपीराइटेड बाई मी. इट्स कॉल्ड द फारा खान FKCC, फारा खान कोरियोग्राफी कोर्स. और वी आर होपिंग दैट ये जो नॉलेज मैंने अक्वायर की है 25 सालों में, अगले साल मुझे 25 साल हो जाएंगे, दैट नॉलेज आई कैन आई थिंक आई एम क्वालिफाइड टू गिव इट टू स्टूडेंट्स. आई डोंट थिंक द टाइम इज नाउ फॉर जस्ट डांसिंग, बिकॉज फिल्मों में भी डांसिंग थोड़ा कम होती जा रहा है, कोरियोग्राफी ज़्यादा होती जा रही है बिकॉज लिपसिंग कम होते जा रहा है और मूड सॉन्ग्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. दैट वॉज वॉट फारा स्पेशलिटी वॉज द फर्स्ट टाइम एवर. पहले होता था डांस डायरेक्टर, द फर्स्ट टाइम एवर वी रेड द क्रेडिट डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी इट वॉज माई सिस्टर फारा खान, यू नो. सो टुडे लॉट ऑफ टेक्नीशियंस आर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, डायरेक्टर ऑफ एक्शन, डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी. दैट इज बिकॉज ऑफ फारा. Also, I don't think it's fair to call her a choreographer who became a director. She always wanted to be a director who became a choreographer. That is why in all her songs, there was storytelling. Even if there was dancing involved, there was storytelling. That was a fine art.